Hello friends, welcome to LK Academy. I am Akash Mehta. Today we will discuss the current affairs of April 2nd week. Let's start with the first news. Yes, so our first news is monetary policy of the RBI, right? Monetary policy of RBI, this news is very important news actually. कि मॉनेटरी पॉलिसी, यस मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी आरबीआई की हर दो महीने बैठती है और वो कमेटी के अंदर 6 पर्सन होते हैं. और कमेटी के अंदर कितने पर्सन होते हैं? 6 पर्सन होते हैं. और ये कमेटी के चेयरपर्सन कौन होते हैं? आरबीआई के जो गवर्नर है वो उसके चेयरपर्सन होते हैं, राइट. कि मॉनेटरी पॉलिसी के चेयरपर्सन कौन होते हैं? आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास वो उसके चेयरपर्सन होते हैं, राइट. ओके, अभी उसका नाम है वैसा उसका काम है कि वो मनी कितना सर्कुलेट होना चाहिए, मनी को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, वो एवरी 2 महीने के अंदर इस कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है, राइट. तो इस बार टोटल 11 ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी है कि जिसके द्वारा कोई भी रेट के अंदर चेंज नहीं किया गया. मतलब जो लास्ट चेंज किया गया था, जो टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी के, जो टूल्स है कौन कौन से टूल्स हैं, तो टूल्स हैं ये रहे, मैं आपको समझाता हूँ. यस, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, कॉरिडोर, राइट. यस, कॉरिडोर इज़ नॉट अ टूल बट इट इज़ जस्ट एक उसका एक फंक्शन है. वो हम जब समझेंगे कैश रिजर्व रेशियो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, राइट. तो ये सब उसके टूल्स हैं कि जहाँ पे उसका रेट डिसाइड किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर, और इसी टूल्स के माध्यम से मनी को कंट्रोल और मनी को सर्कुलेट किया जाता है देश के अंदर, राइट. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये जो टूल्स मैंने जो आपको समझा है उसको लास्ट कब चेंज किया गया था. तो लास्ट उसको चेंज किया गया था अप्रैल 2020 के अंदर जब कोविड की शुरुआत हुई थी. अप्रैल 2020 के अंदर जब मॉनेटरी पॉलिसी बैठी थी ना, तब उसको चेंज किया गया था लास्ट, राइट. उसके बाद ये सभी रेट को एज इट इज़ रखा गया है, और हाँ, आपके लिए कि रेपो रेट अभी कितना है, 4%, रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.35%, राइट. फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कितना है अभी, 4.25%, राइट. फिर बैंक रेट अभी कितना है, बैंक रेट भी सेम है 4.25%, ओके. फिर कैश रिजर्व रेशियो कितना है, 3%, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कितना है, 18%, राइट, 18%, ओके. तो आपको इतने रेट्स आपको याद रखने हैं सबसे पहले तो. और ये जो रेट लास्ट चेंज किए गए थे अप्रैल 2020 के अंदर, और उसके बाद 11 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी, तब तक ये रेट अभी तक चेंज नहीं किए गए हैं, राइट. और ये जो रेट है जो कोविड के पहले की सिचुएशन है उससे बहुत कम है. तो इस आरबीआई की इस स्टैंस को बोला जाता है अकोमोडेटिव स्टैंस, क्योंकि आपको भी अभी मैं समझाऊंगा कि किस तरह इस रेट का कम होना और हमारे पास पैसा ज़्यादा होना वो किस तरीके से लिंक है. तो अकोमोडेटिव स्टैंस मतलब लोगों को सपोर्ट करने का स्टैंस है आरबीआई का, राइट. तो लास्ट 11 मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से ये जो रेट है वो चेंज नहीं किए गए हैं, राइट. तो मतलब 22 महीने से उसको चेंज नहीं किया गया है, राइट. ओके, तो अभी धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चलेगा कि इसका किस तरीके से इन्फ्लेशन के ऊपर इस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, इसके द्वारा मनी को कैसे सर्कुलेट किया जाता है, बराबर. ओके, तो हम धीरे धीरे सब कुछ समझे गए, ठीक है. ओके, तो आपको इतना समझ में आया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में हमको कितना समझना है और वो कितने महीने के बाद बैठती है, कितने लोग होते हैं और किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, उसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, राइट. ओके ओके, तो हम पहले धीरे धीरे हर एक टर्म को समझ लेंगे कि रेपो रेट क्या है. यस, रेपो रेट फ्रेंड्स के एक ऐसा टूल है कि इसके अंदर देखो दो एंटिटी होते हैं, कौन कौन से,
एक तो होते हैं बैंक और एक होती है आरबीआई, राइट? ओके, बैंक और आरबीआई। अभी इसके अंदर क्या किया जाता है कि जब भी बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, जब भी बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, वो आरबीआई से बोलेगा कि आरबीआई मुझे कैश की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे कैश दो, मैं उसके बदले में आपको उसके इक्विवेलेंट मेरे पास जितने भी पेपर्स है, पेपर्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ओके, फिर जितने भी कॉमर्शियल पेपर हैं, जितने भी कॉमर्शियल पेपर हैं, राइट, फिर जितने भी बिल ऑफ एक्सचेंज है, राइट, तो ये जितने भी, फॉर एग्जांपल बैंक को 100 करोड़ रुपया चाहिए आरबीआई से, तो बैंक को आरबीआई के पास 100 करोड़ रुपये के इक्विवेलेंट पेपर, राइट, ये भी कैश पैसा ही होता है, लेकिन कैश के फॉर्म में नहीं होता, कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉमर्शियल पेपर, बिल ऑफ एक्सचेंज, वो बैंक के एसेट्स ही है, लेकिन उसको बैंक लिक्विड नहीं कर पाती और बैंक को अभी कैश की ज़रूरत है, तो बैंक क्या करेगी कि सेम अमाउंट ऑफ दिस पेपर वो आरबीआई के पास एज अ कोलेटरल रखेगी और आरबीआई के उसके बिहाफ में उसको कैश देगी। तो इसको बोला जाता है, ये जो बैंक और आरबीआई के बीच में जो डील हुई ना, तो उसको बोला जाता है रीपर्चेस एग्रीमेंट। उसको क्या बोला जाता है? रीपर्चेस एग्रीमेंट, राइट, रीपर्चेस एग्रीमेंट, उसको रीपर्चेस एग्रीमेंट बोला जाता है, राइट, ओके, हाँ। और ये रेपो रेट का फुल फॉर्म है, रीपर्चेस एग्रीमेंट है ना, रेपो का फुल फॉर्म है। यहाँ पे बैंक के द्वारा रीपर्चेस एग्रीमेंट किया जाता है आरबीआई के साथ कि आप मुझे 100 करोड़ रुपया दो, मैं आपको ये पेपर्स दे रहा हूँ और मैं वो रीपर्चेस कर लूँगा जब मेरे पास कैश की अवेलेबिलिटी हो जाएगी और मैं आपको कैश वापस दे दूँगा, राइट। तो आरबीआई ये बैंक को जो 100 करोड़ रुपया कैश वो जो रेट के ऊपर देती है ना, उस रेट को बोला जाता है रेपो रेट, राइट। और रेपो रेट का फुल फॉर्म है रीपर्चेस एग्रीमेंट। आरबीआई उसके बिहाफ में ये जो कॉमर्शियल पेपर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह वगैरह, हाँ, बैंक के पास से उतने ही इक्विवेलेंट अमाउंट में वो गिरवे रखती है, राइट, ओके। अभी हाँ, अभी ये रेपो रेट आपको आपको पता होगा कि बैंक के अंदर जितने भी लोन्स वगैरह जो मिलते हैं ना, एफडी के रेट वगैरह, वो रेपो रेट के साथ लिंक होते हैं। मतलब जो जब रेपो रेट बढ़ेगा तो ये एफडी के रेट, लोन के रेट वगैरह बढ़ेंगे, राइट, वो कम होगा तो ये सब भी कम होगा, ओके। क्योंकि बैंक को आरबीआई के पास से 4% के ऊपर, अभी रेपो रेट 4% चल रहा है, बैंक को आरबीआई के पास से 4% के ऊपर लोन मिल रहा है और बैंक फर्दर कस्टमर को 8% 9% दे रहा है, तो मतलब बैंक को 4 या 5% प्रॉफिट हुआ ना, अगर वो रेपो रेट बैंक बढ़ाता है, राइट, आरबीआई बैंक को जो पैसा देता है उसका जो रेट बढ़ाता है, मतलब रेपो रेट बढ़ाता है, तब बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट में इसको चेंज करेगी, क्योंकि उस बैंक को तो अपना प्रॉफिट सेम रखना है ना, ओके। अभी अभी क्या चल रहा है कि रेपो रेट कम है, कोविड की जो पहले की सिचुएशन है उससे रेपो रेट कम है, क्योंकि रेपो रेट कम होगा तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेंगे वो, हाँ, वो भी कम होंगे, यस, एफडी आरडी के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेंगे वो भी कम होंगे। अभी ये रेपो रेट कम करके गवर्नमेंट करना क्या चाहती है कि लोगों को पैसा ज़्यादा देना चाहती है, क्योंकि लोन के इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, राइट। एफडी आरडी के अंदर जो इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग एफडी आरडी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो लोग अपने पास कैश रखेंगे, लिक्विडिटी रखेंगे, राइट। तो ये जो गवर्नमेंट का कोविड के टाइम जो उनका जो गवर्नमेंट का स्टांस था वो अकोमोडेटिव था, मतलब लोगों के पास पैसा रहे कैश, राइट, क्योंकि कभी भी ज़रूरत हो सकती है, तो इसलिए एफडीआईडी, क्योंकि वहाँ पे लोग इन्वेस्ट ना करें और लोन कम रेट के ऊपर मिल रही थी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें, तो इसलिए अभी तक रेपो रेट कम था, यस, ओके। रिवर्स रेपो रेट, अभी रिवर्स रेपो रेट का क्या प्रावधान है वो हम देखते हैं, राइट। रिवर्स रेपो रेट सेम कि बैंक और आरबीआई है, बैंक और आरबीआई है, दो एंटिटीज हैं, राइट। अभी यहाँ पे क्या होता है कि बैंक अपने पास अगर सरप्लस कैश होगा ना तो वो आरबीआई के अंदर इन्वेस्ट करती है, बैंक के पास अगर सरप्लस कैश होगा तो आरबीआई के अंदर इन्वेस्ट करती है, उसके बदले में आरबीआई क्या देती है उसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट, बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट, कॉमर्शियल पेपर्स, यस, जितने इक्विवेलेंट अमाउंट के पेपर्स देती है,
राइट। हाँ कि बैंक अपने पास सरप्लस कैश होगा वो आरबीआई के अंदर इन्वेस्ट करेगा, ओके, और उसके बदले में आरबीआई ये पेपर्स उसको देती है, तो इसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट, ओके। और इसके लिए बैंक जो आरबीआई के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए आरबीआई बैंक को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, तो 3.35%, 3.35%, राइट। तो उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। अभी रिवर्स रेपो रेट से मनी को कैसे कंट्रोल किया जाता है कि फॉर एग्जांपल अभी की जो सिचुएशन है, अभी की सिचुएशन क्या है कि अभी आपको पता होगा कि हमारा इन्फ्लेशन रेट कितना है, 6.97%, राइट, 6.97%। अब अभी हमारा इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, 6.97%, जो ऑलमोस्ट 7% है। अभी बहुत सारी कंट्रीज़ के इन्फ्लेशन रेट मतलब 7% के आसपास ही चल रहे हैं, और इन्फ्लेशन रेट कितना होना चाहिए, 2 से 6% होना चाहिए, राइट। तो इन्फ्लेशन मतलब जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना वो ज़्यादा है, मतलब लोगों को ज़्यादा पैसे एक कोई चीज़ खरीदने के लिए जो पहले जो पैसे खर्च करने पड़ते थे उससे ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, राइट। तो अभी हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है ना वो 6.97% है, मतलब महंगाई बहुत बढ़ गई है, राइट। तो महंगाई बढ़ने का एक रीज़न देखो कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ना वगैरह वगैरह तो है ही, लेकिन दूसरा रीज़न ऐसा है कि महंगाई बढ़ती क्यों है, क्योंकि हम ये महंगी चीज़ को खरीद पा रहे हैं, हमारी परचेसिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई है, तो लोग मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया है। कोविड के अंदर बहुत ही कम दर के ऊपर लोन मिलने से लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है। और एक डेटा अभी एक डेटा लॉन्च किया गया आरबीआई के द्वारा कि अभी टोटल जो कोविड की वजह से टोटल मार्केट के अंदर कितना रुपया ज़्यादा घूम रहा है, 8.5 लाख करोड़ ये मार्केट के अंदर सरप्लस घूम रहा है, राइट। तो अभी आरबीआई का स्टांस ऐसा है कि मार्केट के अंदर ये जितना जो एक्स्ट्रा पैसा घूम रहा है ना उसको कंज्यूम करना, तो अभी वो कंज्यूम कैसे करेगा, तो सबसे पहले तो ये रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएगा। रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएगा मतलब जो बैंक आरबीआई के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट करेगा उसके बीएफ में बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो बैंक भी इंकरेज करेगी कि भाई हम कैश अपने पास कम रखें और आरबीआई के अंदर ज़्यादा हाँ इन्वेस्ट करें, तो कैश बैंक के पास कम रहेगा तो वो लोग हाँ आगे फर्दर कस्टमर को लोन वगैरह कम देगी, राइट। तो आरबीआई का एक स्टांस ऐसा रहता है कि रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाए तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई के अंदर इन्वेस्ट करें, राइट, ओके। फिर एफडीआरडी के रेट बढ़ाए जाएंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, अपने पास पैसा कम रखें, तो इससे क्या होगा कि लोगों की परचेसिंग पावर, क्योंकि उसके उनको उनके हाथ में लिक्विडिटी नहीं होगी ना, राइट। तो उनकी परचेसिंग पावर और ये जो मार्केट में ज़्यादा पैसा घूम रहा है वो एक सेफ जगह पे आ जाएगा। तो अभी रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट 2 महीने के अंदर अगली नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर शायद बढ़ाए जा सकते हैं, राइट, ओके। तो ये दो चीज़ें समझ में आई, ओके। अभी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है फ्रेंड्स, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में बात करें, ओके। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कुछ भी नहीं कि अगर अगर कोई भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, अभी देखो ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के अंदर जो बैंक को पैसा मिलता है और जो बैंक पैसा इन्वेस्ट करती है आरबीआई के अंदर, वो सभी कॉमर्शियल बैंक कर सकती है, सभी कॉमर्शियल बैंक के अंदर आई गई शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। अभी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक क्या है मैं आपको समझाता हूँ, फिर कोऑपरेटिव बैंक, लोकल एरिया बैंक, सभी स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, सभी बैंक्स आ गई। लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक लोन का टाइप है और वो लोन किसको मिल सकती है, तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक किसको बोला जाता है कि जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल के अंदर जो लिस्टेड है, आरबीआई के सेकंड शेड्यूल के अंदर जो भी बैंक लिस्टेड है उसको शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक बोला जाता है। और ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये लोन फैसिलिटी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को ही मिलता है आरबीआई के द्वारा। अभी फॉर एग्जांपल कोई बैंक के अंदर हाँ दिन के आए 90 करोड़ रुपीस, राइट, 90 करोड़ रुपीस डिपॉजिट हुई और उसी दिन उसको विड्रॉ हुआ 110 करोड़ का। अभी ये 20 करोड़ का जो कैश क्रंच आया पर्टिकुलर डे के ऊपर, तो एक दिन के लिए जो आरबीआई बैंक को ये कैश क्रंच से निपटने के लिए जो पैसा देती है ना वो इस रेट के ऊपर देती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट के ऊपर। यस, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक दिन के लिए होता है, बराबर। ये जो जो डेली क्रंचेस, जो कैश क्रंचेस होती है ना बैंकों की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने समझाया कि 90 करोड़ का डिपॉजिट और 110 करोड़ का विड्रॉल हुआ, तो 20 करोड़ कहाँ से लाएगी बैंक, तो 20 करोड़ का लोन लेगी आरबीआई के पास से ये रेट के ऊपर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। लेकिन ये फैसिलिटी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को ही मिलती है, राइट। और ये अभी कितना चल रहा है, 4.25%, 4.25%, राइट।
ओके यस ओके अभी नेक्स्ट है हमारा यस कैश रिजर्व रेशियो CRR। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है तो अब सबसे पहले हम उसके बात करें कैश रिजर्व रेशियो राइट। तो सबसे पहले हम उसको समझने से पहले ये नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी ये क्या होता है। अभी देखो कि आप जो भी पैसा सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हो ना वो डिमांड डिपॉजिट किया जाता है और जो भी पैसा आप FDRD के अंदर डिपॉजिट करते हो वो टाइम डिपॉजिट, क्योंकि आप उसका फिक्स है कि आप 1 साल के बाद 5 साल के बाद ही पैसा को विड्रॉ करोगे। अभी बीच में भी होता है लेकिन वो बहुत कम लोग करते हैं राइट। लेकिन डिमांड डिपॉजिट ऐसी है जो सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट होती है कि कस्टमर कभी भी वो डिमांड कर सकता है। तो बैंक के अंदर जितने भी ये डिमांड डिपॉजिट और जितने भी ये टर्म डिपॉजिट होती है तो हाँ उसको बोला जाता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ राइट। अभी फॉर एग्जांपल बैंक के अंदर एक पर्टिकुलर दिन 100 करोड़ का नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ आई तो बैंक को यस उसके 3% वो RBI के अंदर जमा करवाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो यस 3% कैश के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल 100 करोड़ रुपये का आज डिमांड डिपॉजिट आया और टाइम डिपॉजिट आया बैंक के पास तो उस बैंक को उसका 3% अभी कैश रिजर्व रेशियो 3% चल रहा है तो वो रिजर्व रखना पड़ेगा RBI के पास। समझ में आया ओके ठीक है। और ये जो सभी हम टर्म पढ़े ना रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कैश रिजर्व रेशियो ये सभी को बोला जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, क्योंकि ये सभी टूल की मदद से हम मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को एडजस्ट करते हैं इसलिए उसको बोला जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। यस ये मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं राइट ओके। आई थिंक आपको जो अभी जो जो टूल्स हमने जो पढ़ा है कि जिसकी मदद से हम मनी को सर्कुलेट करते हैं मनी को कंट्रोल करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम मनी पॉलिसी की थोड़ी सी बात करें कि जैसे मैंने आपको बोला था कि 8.5 लाख करोड़ मार्केट के अंदर ऐसे ही घूम रहे हैं राइट। तो उसके उसको कंज्यूम करने के लिए अभी RBI ने एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होती है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को 2018 के अंदर ही लॉन्च किया गया था RBI के द्वारा और उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 3.75%, मतलब जो रेपो रेट है उससे 25 बेसिस पॉइंट कम मिलता है राइट। और ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कि इस फैसिलिटी के अंडर में बैंक ये इंटरेस्ट रेट है ना जब बढ़ाया जाएगा RBI के द्वारा इस कमिंग मंथ्स के अंदर, क्योंकि RBI का मेन पर्पस है कि वो जो ज़्यादा कैश घूम रहा है मार्केट के अंदर उसको एब्जॉर्ब करना। तो ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होती है कि इस फैसिलिटी के अंडर में जो बैंक है ना अपना जो सरप्लस मनी है बैंक अपने पास वो सरप्लस मनी है वो RBI के अंदर रखती है राइट। अभी आपको पता मैंने आपको बताया कि बैंक अपना जो सरप्लस मनी वो RBI के अंदर इन्वेस्ट करती है उस वो रिवर्स रेपो रेट कर देता है। रिवर्स रेपो रेट का इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है वो 3.35% चला और इसका इंटरेस्ट रेट कितना है 3.75%, मतलब रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा परसेंट है बराबर। तो मुझे बताओ कि बैंक कौन सा पसंद करेगी, रिवर्स रेपो रेट पसंद करेगी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी पसंद करेगी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी राइट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी पसंद करेगी ना। तो इसके लिए अभी RBI ने उसको लॉन्च किया है कि ज़्यादा इंटरेस्ट के ऊपर बैंक अभी RBI के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है। तो ज़्यादा बैंक इसके अंदर इन्वेस्ट करेगा तो उसके पास पैसा कम रहेगा तो वो फर्दर पब्लिक को पैसा कम बांटेगी राइट। तो अभी RBI ने यस क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लोगों की परचेसिंग पावर बहुत बढ़ गया, लोगों के पास बहुत पैसे इन हैंड है तो वो RBI अभी एब्जॉर्ब करना चाहती है। इसके लिए अभी सभी के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो आई थिंक आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा राइट। अभी हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि चाइल्ड एडॉप्शन इन इंडिया के बारे में बात करें कि इंडिया के अंदर आप यहाँ पे ग्राफ के अंदर देख सकते हो कि 2010-11 के अंदर कितना एडॉप्शन हुआ था 5693 और अभी 2020-21 के अंदर कितना एडॉप्शन हो रहा है चाइल्ड का 3142, मतलब धीरे धीरे वो डिक्रीज होता जा रहा है राइट। ये इन कंट्री एडॉप्शन की बात हो रही है और अगर आप इंटर कंट्री एडॉप्शन की बात करें तो 2010-11 के अंदर 628 इंटर कंट्री एडॉप्शन हुआ था और 2020-21 के अंदर 417 इंटर कंट्री एडॉप्शन हो रहा है, मतलब ये भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसका मेन पर्पस मेन रीज़न ये है कि जो चाइल्ड एडॉप्शन के जो रूल्स रेगुलेशन और एक्ट है वो थोड़े से स्ट्रिक्ट है इंडिया के अंदर, तो ज़्यादातर पेरेंट्स इसके लिए मोटिवेट नहीं होते कि चाइल्ड एडॉप्ट करें राइट। तो
तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने, अभी रिसेंट न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी एग्री हुई है कि जो प्ली आई थी ना कि सिंप्लीफाई द लीगल प्रोसेस फॉर द चाइल्ड एडॉप्शन इन इंडिया, कि जो चाइल्ड एडॉप्शन के लिए जो लीगल प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई किया जाए, उसके लिए एक रिक्वेस्ट आई थी सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुनने के लिए एग्री हुई है। जस्ट रिसेंट न्यूज़ इतनी है। तो हमारे पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या है कि इंडिया के अंदर चाइल्ड एडॉप्शन वो कौन से एक्ट के अंदर में होता है। तो इंडिया के अंदर चाइल्ड एडॉप्शन होता है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख के लिए लागू होता है, राइट। और जुबिलेंट जस्टिस एक्ट ये दूसरा एक्ट है 2015। और ये जुबिलेंट जस्टिस एक्ट जो अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है लाइक मुस्लिम्स, राइट, तो अगर मुस्लिम फैमिली के जो कोई पेरेंट है और वो चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए चाहते हैं तो जुबिलेंट जस्टिस एक्ट के अंडर में करेंगे। और हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख के जो पेरेंट हैं जो चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो वो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंडर में करेंगे, राइट। तो जुबिलेंट जस्टिस एक्ट अभी 2015 के अंदर ही लॉन्च किया गया है। उसके पहले था गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1980। ये गार्डियन एंड वार्ड एक्ट और ये जुबिलेंट जस्टिस एक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के अंदर, हाँ, गार्डियन मतलब यहाँ पे जो पेरेंट चाइल्ड को एडोप्ट करते हैं ना उनको लीगल पेरेंट नहीं माना जाता, राइट, उनको एज अ गार्डियन ही माना जाता है। और जब भी चाइल्ड 21 साल का हो जाए तो वो गार्डियन से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी हो जाएगा। यस, 21 साल का जब चाइल्ड हो जाए तब यस, जो गार्डियन है उसका चाइल्ड के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, राइट। और यहाँ पे गार्डियन को लीगल पेरेंट नहीं माना जाता, तो इस एक्ट को फिर 2015 के अंदर कैंसिल किया गया। 2015 के अंदर जुबिलेंट जस्टिस एक्ट लॉन्च किया गया। तो आपको ये समझ में आया, ओके। और ये जो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के डोमेन में आता है, और ये जो जुबिलेंट जस्टिस एक्ट है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आता है। तो HAMA जो एक्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में आता है, और ये जुबिलेंट जस्टिस एक्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आता है। तो वो भी आपको याद रखना है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि चाइल्ड एडॉप्शन कौन से एक्ट में अंडर में किया जाता है, राइट, कि हिंदू फैमिली के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए कौन कौन सा एक्ट है, राइट, ओके। और ये HAMA एक्ट कौन से अंडर में आता है, क्या कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, और जुबिलेंट जस्टिस एक्ट कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, जुबिलेंट जस्टिस एक्ट के पहले कौन सा एक्ट था, बराबर, वो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, राइट, ओके ओके। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फ्रेंड्स कि इंडिया के अंदर जो ये इंटर स्टेट और इन स्टेट, मतलब इंटर कंट्री और इन कंट्री जो चाइल्ड एडॉप्शन होता है ना वो कौन सी उसकी नोडल एजेंसी, उसकी नोडल एक सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, सेंट्रल एडॉप्शन एंड रिसोर्स अथॉरिटी, सेंट्रल एडॉप्शन एंड रिसोर्स अथॉरिटी सकारा, राइट, कि वो एक सुप्रीम अथॉरिटी जिस जो रेगुलेट करती है एडॉप्शन इन इंडिया, चाइल्ड एडॉप्शन इन इंडिया, कि जो बाहर के पेरेंट्स के द्वारा, अब्रॉड के पेरेंट्स के द्वारा भी एडॉप्ट किया जाए या तो फिर इंडिया के पेरेंट्स के द्वारा, लेकिन सभी की सुप्रीम अथॉरिटी है सेंट्रल एडॉप्शन एंड रिसोर्स अथॉरिटी, राइट। तो ये आपको एक चीज़ यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, राइट। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो एक डेटा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है कि ओनली 40 चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़ वेर एडोप्टेड बिटवीन द 2018 से 2019, राइट, मतलब पेरेंट्स जो चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़ को एडोप्ट करना नहीं चाहते हैं, तो जित विच इज़ अ 1% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन एडोप्टेड इन द ईयर 2018-19 के अंदर जस्ट 40 चिल्ड्रन को एडोप्ट किया गया जो जो डिसेबल थे, यस, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, राइट, जो 1% है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन एडोप्टेड इन द ईयर, राइट। तो यस, और क्या रीज़न है कि जो पेरेंट चाइल्ड को एडोप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत सारे जो अनाथ आश्रम है, राइट, कि फॉर एग्जांपल अभी 2018 के अंदर जो रांची के अंदर मदर टेरेसा का जो मिशनरीज है एक हुआ था कि वहाँ पे जो एक साध्वी थी, राइट, कि वो एक उन्होंने एक रैकेट उनका बाहर आया था कि वो बहुत सारे जो अनाथ बच्चे वहाँ पे आ रहे थे उनको सेल कर रही थी, राइट। तो ऐसे बहुत सारे पेंडेमिक के दौरान तो बहुत सारे चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बहुत सारे केस सामने आए, तो ये भी एक रीज़न है कि चाइल्ड एडॉप्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्योंकि लोग, तो सबसे पहला स्टांस तो ये होना चाहिए कि ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह वगैरह इसको कम किया जाए, राइट।
यस रूल्स को थोड़े सिंप्लीफाई किया जाए, राइट, और हाँ लोगों को इनकरेज किया जाए कि जिसको ज़रूरत है लिए चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अडोप्ट करें, राइट। ओके, तो आई थिंक आपको ये न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा, राइट। ओके, चल हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कोस्टल इरोजन। कोस्टल इरोजन क्या है फ्रेंड्स, कि अभी रिसेंटली एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक डेटा लॉन्च किया कि टोटल हमारे इंडिया के अंदर 6907.18 किलोमीटर लॉन्ग जो इंडियन कोस्ट लाइन है, राइट, कि उसका 1990 से 2018 तक, 1990 से 2018 तक कितना इरोजन हुआ है, कितना एक्रीशन हुआ है और वो कितना स्टेबल है, वो उसका एक डेटा लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा 1990 से 2018 के अंदर। और इरोजन मतलब जो लैंड का श्रिंक होना, पानी के प्रेशर की वजह से जो बाढ़ आती है वगैरह वगैरह जो आते हैं तो वहाँ पे लैंड श्रिंक होती है, और एक्रीशन मतलब एक साइड से लैंड श्रिंक हुई तो वो उसकी जो सैंड वगैरह वो कोई और जगह तो शिफ्ट होगी ना, तो जो जहाँ पे पानी का प्रेशर नहीं है तब वहाँ पे लैंड का थोड़ा सा बढ़ना, लैंड थोड़ा सा एक्सटेंड होती है, राइट। तो यस इन डेटा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से लॉन्च किया है कि टोटल 1990 से 2018 तक सबसे ज़्यादा इरोजन कहाँ पे हुआ है, वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल की जो कोस्ट लाइन है जो 1990 के अंदर थी वो उससे 60.5% अभी कम हो गई है। तो सबसे ज़्यादा इरोजन इस टाइम पीरियड के अंदर कि कहाँ पे हुआ है, आपने सुना भी होगा वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत बाढ़ आते हैं, राइट, तो वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा इरोजन हुआ है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर है केरला और थर्ड नंबर पर है तमिलनाडु, राइट। और पूरे ओवरऑल डेटा की बात करूँ कि अभी तक 1990 से 2018 तक टोटल 34% एरिया के अंदर इरोजन हुआ है, कोस्टल लाइन की बात कर रहा हूँ, 26% के अंदर एक्रेशन हो रहा है और 40% ऐसे ही स्टेबल है। ये डेटा भी इम्पोर्टेंट है। और इंडिया के अंदर ये जो कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, ये जो एक इंडेक्स है, एक रिपोर्ट है, वो हर साल कौन सी संस्था लॉन्च करती है कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर द ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर द ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, ये एक संस्था है जो इंडिया के अंदर कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स मतलब कौन से स्टेट का कोस्टल एरिया ज़्यादा वल्नरेबल है वो ये इंडेक्स लॉन्च करती है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इस न्यूज़ के अंदर से इतना ही पढ़ना है कि सबसे ज़्यादा इरोजन कहाँ पे हुआ और कितना एरिया इरोजन हुआ, कितना एरिया एक्रीशन हुआ, कितना एरिया स्टेबल रहा, राइट। ओके, तो यस, और इंडिया के अंदर कोस्ट लाइन को मैनेज करने के लिए तीन चीज़ें भी लॉन्च की गई हैं। ये कोस्टल रेगुलेशन जोन, बहुत सारे जोन ए जोन के अंदर में आते हैं, जो ये जोन कोस्टल रेगुलेशन जोन जो बनाए थे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 1991 के अंदर ये लॉन्च किया था, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में। फिर इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान, एक मैनेजमेंट प्लान है कि कोस्टल एरिया को कैसे मैनेज किया जाए, और नेशनल सेंटर फॉर द सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, तो ये एक इंस्टीट्यूट है कि जो कोस्टल मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करती है, राइट। तो ये तीन चीज़ें जो कोस्टल एरिया के ऊपर डेडिकेटेडली फोकस करते हैं इंडिया के अंदर, नेशनल सेंटर फॉर द सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मास्टर मैनेजमेंट प्लान और कोस्टल रेगुलेशन जोन, राइट। तो ये कोस्टल रेगुलेशन जोन वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, कब लॉन्च किया गया था, कौन से एक्ट के अंदर में, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना अभी लॉन्च की गई। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना वो किसके द्वारा डेवलप की गई है, तो एक DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में एक संस्था काम करती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL, उसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद के अंदर, इसके द्वारा ये डेवलप की गई है, राइट। ओके, और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मतलब जो एनिमीज़ की जो टैंक होती है उसको टारगेट करती है, राइट। तो उसके दो वर्जन है एक्चुअली, कि एयरफोर्स का और आर्मी का, एयरफोर्स का और आर्मी का उसके दो वर्जन है। आर्मी के अंदर भी वो यूज़ की जाती है और एयरफोर्स के अंदर भी यूज़ की जाती है, और आर्मी के अंदर जो उसका वर्जन है उसका नाम हेलिना है, और एयरफोर्स का जो वर्जन है उसको ध्रुवास्त्र बोला जाता है। सेम मिसाइल है लेकिन उसका नाम चेंज हो जाता है वहाँ पे, राइट। और ये जो मिसाइल है हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, वो हेलीकॉप्टर से, वो हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जा सकती है, राइट। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, उसके ऊपर से लॉन्च की जा सकती है। उसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है, उसकी कैपेसिटी 7 किलोमीटर के अंदर अंदर जो टारगेट हो तो वो टारगेट को अचीव कर सकती है।
वो दो मोड के अंदर काम करती है, टॉप अटैक मोड और डायरेक्ट हीट मोड, राइट। दोनों मोड की उसकी कैपेसिटी है। अभी ये टॉप अटैक मोड क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर है, यहाँ पे मिसाइल, यहाँ पे टैंक है, दुश्मन की टैंक है, राइट। अभी डायरेक्ट हिट मोड मतलब हेलीकॉप्टर के ऊपर से मिसाइल को लॉन्च किया गया और डायरेक्टली टैंक के ऊपर उसको टारगेट किया जाएगा, राइट। ये हुआ डायरेक्ट हिट मोड, डायरेक्ट हिट मोड, राइट। और एंटी टॉप अटैक मोड क्या हुआ कि ये टैंक है, ये हेलीकॉप्टर है, सबसे पहले क्या किया जाएगा कि मिसाइल को, यस, ये जो टारगेट है उसके ऊपर, एग्जैक्टली ऊपर उस एल्टीट्यूड तक पहुंचाया जाएगा और उसके बाद फिर उसको ऊपर से अटैक किया जाएगा। उसके लिए बोला जाता है टॉप अटैक मोड। और डायरेक्ट हिट मोड दोनों कैपेसिटी ये कंज्यूम करती है, हेलिना एंटी टैंक ग्रेनेड मिसाइल। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेलिना एंटी टैंक ग्रेनेड मिसाइल को किसने लॉन्च की, वो DRDO की कौन सी संस्था के द्वारा लॉन्च की गई, उसकी कैपेसिटी कितनी है, ओके, उसके दो मोड टॉप अटैक मोड डायरेक्ट हिट मोड दोनों मोड के अंदर काम करती है, दो वर्जन है आर्मी के और एयरफोर्स के, एयरफोर्स का वर्जन का नाम है ध्रुवास्त्र, और तो हेलीकॉप्टर के ऊपर से लॉन्च की जा सकती है, राइट। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना करना है इस न्यूज़ के अंदर से। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कंसेशनल टैक्स रेट रिव्यू। कंसेशनल टैक्स रेट रिव्यू की बात करें तो सबसे पहले तो ये न्यूज़ एक्चुअली करंट न्यूज़ क्यों बनी है कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने एक डेटा लॉन्च किया कि उस डेटा के मुताबिक कि जो कॉरपोरेट टैक्स 15% है जो गवर्नमेंट के द्वारा सितंबर 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था ये स्कीम, ये कंसेशनल टैक्स रेट रिग्मी बराबर, तो उसका यूज़ अभी जस्ट 2 out of every 5 companies, 2 out of every 5 न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ये कंसेशनल टैक्स रेट रिग्मी का यूज़ कर पाई है। ये गवर्नमेंट ने अभी डेटा लॉन्च किया है। अभी आपको ये न्यूज़ के अंदर समझ में नहीं आया होगा लेकिन मैं अभी पहले आपको समझाता हूँ क्या है, राइट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स होता है कि जो इंडिविजुअल पर्सन की इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है, राइट। और एक कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है, कॉरपोरेट टैक्स होता है कि जो कंपनी है, कंपनी है उसका जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर उसको टैक्स लगाया जाता है। तो अभी कॉरपोरेट टैक्स जब ये कंसेशनल टैक्स रेट रिग्मी जब लॉन्च किया गया था 2019 के अंदर, राइट, उससे पहले कॉरपोरेट टैक्स सभी कंपनीज के लिए कितना लगता था, 22%। 22% आज भी 22% है लेकिन कौन से केस में वो 15% होता है वो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ, राइट। तो कॉरपोरेट टैक्स के जो कंपनीज उनका जो नेट प्रॉफिट होता है उसके ऊपर उनको टैक्स लगता है, कॉरपोरेट टैक्स, राइट, ओके। और ये कॉरपोरेट टैक्स सभी कंपनीज को भरना पड़ता है जो कंपनी रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर में, जो कंपनी रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर में वो सभी कंपनी को कॉरपोरेट टैक्स भरना पड़ता है, राइट। अभी 2019 के अंदर गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की और 2019 के अंदर गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी नई कंपनी जो फाइनेंस ईयर 2019-20 के अंदर लॉन्च होगी, जो भी नई कंपनी फाइनेंशियल 2019-20 के अंदर लॉन्च होगी, ओके, कि उनको अभी तो कॉरपोरेट टैक्स भरना है 22%, अभी तो कॉरपोरेट टैक्स भरना है 22%, लेकिन ये जो नई कंपनी लॉन्च हुई और उन्होंने 2023 तक ये 4 साल के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 2023 मतलब जो अभी चल रहा है, ये 4 साल के अंदर जितने भी 2019-20 के अंदर जितनी भी नई कंपनी बनी है उन्होंने ये 4 साल के अंदर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, वो कंपनी इतनी डेवलप हो गई कि उन्होंने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, तो ये जो 22% वो उनके ऊपर जो कॉरपोरेट टैक्स लगाया जाता था ना उसमें से -7% उनको वापस दिया जाएगा और उनका कॉरपोरेट टैक्स रहेगा 15%। कितना रहेगा, 15%, राइट। तो कॉरपोरेट टैक्स 15% नहीं है, कॉरपोरेट टैक्स 22% ही है, लेकिन अगर आपकी कंपनी 2019-20 के अंदर एस्टैब्लिश हुई है और फाइनेंशियल और 2023 के अंदर आपने कोई ना कोई जगह पे इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, इंडिया के डेवलपमेंट के अंदर कुछ ना कुछ आपका पार्ट है, तो आप जो भी कॉरपोरेट टैक्स 22% आप पे कर रहे थे आपको उसमें से 7% कंसेशन मिलेगा। ये था कंसेशनल टैक्स रेट ट्रिक में, मतलब अभी आपको कॉरपोरेट टैक्स भरना है 15%, राइट। तो
गवर्नमेंट का कहना है कि 2019-20 के अंदर 2 out of 5 कंपनीज, मतलब कितना परसेंट, 40% कंपनीज ही ऐसी एस्टेब्लिश हुई जिसने 4 साल के अंदर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, मतलब 60% कंपनी ने तो इंडिया के अंदर अभी तक इन्वेस्टमेंट किया नहीं है। तो ये जो कंसेशनल टैक्स रेट रिग्मी है वो ये 40% कंपनी को ही मिलेगी, कंसेशन 40% कंपनी को ही मिलेगा, गवर्नमेंट का कहना ये है। ये रिसेंट न्यूज़ है, अभी आपको समझ में आया? यस, बराबर। तो कॉरपोरेट टैक्स है 22%, लेकिन 7% का कंसेशन दिया जाएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो, राइट? तो ये आपको समझ में आया होगा। ओके, चल, यस, यहाँ पे मैंने सभी आपको बताया है कि कंसेशनल टैक्स रेट रिग्मी जो मैंने अभी आपको बताया वो ही यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई एग्जेम्पशन नहीं है तो 22% भी आपको दिया जाएगा, लेकिन एग्जेम्पशन है तो आपको 7% कंसेशन दिया जाएगा। कितना? 7% कंसेशन दिया जाएगा, राइट? तो यस, कि ये जो चीज़ थी ना कि फाइनेंशियल 2023 तक, जो 2019-20 के अंदर कंपनी को एस्टेब्लिश किया है उसको फाइनेंशियल 2020 तक इन्वेस्टमेंट करना है, फाइनेंशियल 2023 तक इन्वेस्टमेंट करना है, राइट? लेकिन अभी 40% कंपनी ने ही इन्वेस्टमेंट किया है, तो गवर्नमेंट ने अभी ये टाइम को एक्सटेंड किया और ये फाइनेंशियल 2024 तक, मतलब 31 मार्च 2024 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, कि अभी ये टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ाया गया है कि जो 2019-20 के अंदर जो कंपनी एस्टैब्लिश हुई है वो अभी फाइनेंशियल 2024 तक, 31 मार्च 2024 तक इंडिया के अंदर उनके पास इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है। अगर 24 तक वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो उनको ये कंसेशनल टैक्स रिकमी का फ़ायदा मिलेगा। तो ये एक रिसेंट न्यूज़ है, और एक जो 40% जो कंपनी ही इस स्कीम का बेनिफिट उठा पाई है वो एक रिसेंट न्यूज़ है। बाकी ये स्कीम के बारे में आपको पता चल गया होगा, राइट? हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की हम बात करें तो एक कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स ने अभी अप्रूव किया है कि कंटिन्यूशन ऑफ द रिवेम्प सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026। देखो, सबसे पहले तो हम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में बात करें कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्या है। एक्चुअली राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान एक्चुअली 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था, 2018 से 2022 तक। सबसे पहले लॉन्च कब किया गया था? 2018 से 2022 तक, उसका पहला पार्ट था 2018 से 2022 तक, राइट? और अभी उसका दूसरा पार्ट लॉन्च किया गया, उसको कंटिन्यू किया गया है 2022 से 2026 तक, यस। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब जितना भी उसके पीछे खर्चा होता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अपना हिस्सा देती है और स्टेट गवर्नमेंट को कुछ अपना हिस्सा देना पड़ता है, राइट? तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब ये स्कीम का मेन पर्पस क्या है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का मेन पर्पस ये है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो PRI है, राइट, उनको डेवलप करना, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनको डेवलप करना, और इनको डेवलप करने के पीछे जितना भी खर्चा होता है उसको सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट बांट लेती है, राइट? ओके, अभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने के लिए सेंटर के पास क्या क्या टारगेट है कि ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, मतलब ये जो ग्राम पंचायत होती है ग्राम लेवल के ऊपर, उसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ई पंचायत बनाने के लिए जितना भी खर्चा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ये उनको इंसेंटिव देने के लिए जितना भी खर्चा होगा, मतलब जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अच्छा काम करेगी उनको इंसेंटिव देने के लिए जो भी खर्चा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और स्टेट गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करेगी कि उनको कैपेसिटी बिल्डिंग, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग एंड उनको ट्रेनिंग के लिए जितना भी खर्चा होगा ना, ये वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, राइट? तो ये उन्होंने थोड़ा सा बांट लिया कि हम कहाँ कहाँ पे खर्चा करेंगे, राइट? तो टोटल जितना भी खर्चा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, उनके डेवलपमेंट के ऊपर होता है, तो वहाँ पे वहाँ पे 60-40 रेशियो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का 60% और स्टेट गवर्नमेंट का 40%, जो नॉर्मल स्टेट होते हैं, जो नॉर्मल स्टेट होते हैं उस वो 40% देंगे और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देगी। नॉर्मल स्टेट में बाकी सभी स्टेट आ गए, और नॉर्मल स्टेट और यूनियन टेरेटरीज, यूनियन टेरेटरीज कौन सी कि जहाँ पे लेजिस्लेचर है, जहाँ पे CM की पोस्ट है, और कौन सी यूनियन टेरेटरीज हैं? दिल्ली और पुडुचेरी, राइट? तो
स्टेट्स और ऐसी यूनियन टेरेटरी के जहाँ पे लेजिस्लेचर है, जहाँ पे सीएम की पोस्ट है, उनको 40% देना है जितना भी खर्चा होगा पंचायती राज एसोसिएशन को डेवलप करने के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 60%। फिर यस, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जो हिमालयन स्टेट्स है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 90% और स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा 10%। और जो यूनियन टेरेटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, जो बाकी की यूनियन टेरेटरीज है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट 100% देगी और वो यूनियन टेरेटरीज को 0% देना है। तो ये बाइफरकेशन आपको याद रखना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट? ओके, तो ये विज़न, ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का विज़न क्या है? सबका साथ, सबका गांव, सबका विकास, और बेनिफिशियरी 2.78 लाख रूरल लोकल बॉडीज इस स्कीम की मदद से बेनिफिट उठा पाएंगे, राइट? तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, और मैंने आपको समझाया कि ये किस तरीके से काम करते हैं, कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करेगी, इंसेंटिवाइजेशन ऑफ द पंचायत और ई पंचायत के ऊपर काम करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग के ऊपर काम करेगी। ये स्कीम 2018 के अंदर लॉन्च की गई थी, और इस स्कीम को उसका एम है टू डेवलप द गवर्नमेंट गवर्नेंस कैपेबिलिटीज ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, PRIs को डेवलप करना, राइट? और रिसेंट न्यूज़ में क्यों आई? क्योंकि उसको अभी कंटिन्यू किया गया है 1 अप्रैल 2022 से 2031 मार्च 2026 तक, राइट? तो ये आपको समझ में आया होगा, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के बारे में बात करें, ओके, तो अभी न्यूज़ के अंदर कैसा आई कि अभी रिसेंटली कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक डेवलप किया है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन है, उसको डेवलप किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ये माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, ये एप्लीकेशन के अंदर कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको ट्रैक किया जाएगा। और वो माइग्रेंट वर्कर कैसे, कि जिनके 18 साल की उम्र तक के बच्चे हो, राइट, और जिनकी प्रेग्नेंट वुमेन हो, और जिनकी मतलब लैक्टेटिंग मदर्स हो, मतलब जिनकी वाइफ वगैरह लैक्टेटिंग, मतलब जिनका न्यू बॉर्न बेबी हो, राइट, तो लैक्टेटिंग मदर्स हो, राइट, तो ऐसा जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं कि जो कोई ना कोई काम के पर्पज़ से उनको स्टेट को छोड़ना पड़ा है और वो कोई दूसरे स्टेट के अंदर जाके रह रहे हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके रह रहे हैं, तो उनको ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंडर में जितनी भी स्कीम्स है उनका बेनिफिट मिलता रहे, इसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ये माइग्रेंट ट्रैकिंग सिस्टम के अंडर में क्या करना होता है कि जो भी माइग्रेंट वर्कर स्टेट को छोड़ना चाहता है, डिस्ट्रिक्ट को छोड़ना चाहता है कोई काम के पर्पज़ से टेम्पररी बेस के ऊपर, तो उसको पहले यहाँ पे रजिस्टर्ड करना है ताकि उसका डेटा स्टेट गवर्नमेंट के पास रहे। और ये जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर में जितनी भी स्कीम्स हैं वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से उनको मिलता रहे, राइट? तो अभी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स के अंदर में कौन कौन सी स्कीम है वो पहले आपको समझना है। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऐसी स्कीम होती है कि जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ परसेंटेज प्रोवाइड करता है पैसा, फाइनेंशियल सपोर्ट, राइट? और ये इंप्लीमेंट कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। और ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कब लॉन्च की गई थी? 1975 के अंडर में। अभी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर में कौन कौन सी स्कीम आती है? तो सबसे पहली स्कीम है आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम। आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम, जो जब भी आपका कोई न्यू बॉर्न होता है तो उसका जो जो पुअर पीपल होते हैं तो उसका जो इम्यूनाइजेशन है, हेल्थ चेकअप है, रेफरल सर्विसेज हैं, प्री स्कूल जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, ये सभी चीज़ों का ख्याल आंगनवाड़ी वर्कर्स करते हैं, राइट? तो ये आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम, ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर में काम करती है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, अगर आपके गर्ल चाइल्ड हुई तो आपको 5000 रुपीज़ पर ईयर मिलेगा एक कैश इंसेंटिव, वो भी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंडर में आता है, राइट? एक डायरेक्ट बेनिफिट मोड के ऊपर मिलेगा आपको, राइट? ओके, जो लैक्टेटिंग मदर होती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, राइट, कि उनका जो गर्ल चाइल्ड हुआ अगर, तो 5000 रुपीज़ 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर ये प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंदर में मिलता है, वो भी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर में आता है, राइट? फिर नेशनल क्रेची स्कीम। नेशनल क्रेची स्कीम क्या है कि डे केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। जो वुमेन, जो वर्किंग वुमेन है,
और उनके जो बच्चे हैं 6 महीने से 6 साल तक के, बराबर, तो उनको डे केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी इस स्कीम के अंडर में। फिर स्कीम फॉर द एडोलसेंट गर्ल, कि जो एडोलसेंट गर्ल है जो 11 to 14 ईयर्स के हैं, जो उनको कोई ना कोई पर्पज़ से अगर स्कूल को छोड़ना पड़ा तो उनके पेरेंट्स को इंकरेज किया जाएगा, थोड़ा सा पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे कि उनको उनके गर्ल्स को वो फिर से एनरोलमेंट कराएं उनका स्कूल के अंदर, राइट। चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, पोषण अभियान, जो न्यूट्रिशन का जो स्कीम है पोषण अभियान, वो भी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर में काम करता है, राइट। तो ये सभी स्कीम्स जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंडर में है, वो सबका बेनिफिट मिले वो माइग्रेंट वर्कर को अपने स्टेट के रेगुलेशन के हिसाब से, इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया है, एक एप्लीकेशन, कि ताकि वो इस तरह के वर्कर को ट्रैक कर सके, उनका डेटा उनके पास हो तो उनको ये सभी स्कीम का बेनिफिट मिल सके। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में से नीचे में से कौन सी स्कीम नहीं है, राइट, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी स्कीम है वो आपको देख लेना है, कब लॉन्च किया गया था, किसके अंडर में है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है, राइट, और कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम की कौन सी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। तो आई थिंक आपको ये न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा, राइट। तो हमारी व्हाट आर द मेजर, यस, व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की हम बात करें, टू इंप्रूव द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन इन द एज ऑफ द 0 to 6 ईयर्स, टू ले द फाउंडेशन फॉर द प्रॉपर साइकोलॉजिकल फिजिकल एंड द सोशल डेवलपमेंट, टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द मोर्टलिटी मॉर्बिडिटी एंड माल न्यूट्रिशन, टू अचीव द इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ द पॉलिसी एंड द इम्प्लीमेंटेशन अमंग्स द वेरियस डिपार्टमेंट्स, ओके। तो ये सभी उसके जो गोल्स है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा फिगर के फॉर्म में दिखाया है कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे अवेल होती है इस स्कीम के अंडर में, राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है ऑयल बॉन्ड के ऊपर। ऑयल बॉन्ड एक्चुअली क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में बात करने से पहले ये न्यूज़ में क्यों आया, कि अभी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने बोला कि गवर्नमेंट ऑयल के प्राइसिस को कम नहीं कर पाएगी, गवर्नमेंट जो उसके ऊपर जो टैक्सेस हम लगाते हैं वो कम नहीं कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट जो अभी चल रही है उसको ऑयल बॉन्ड जो कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किए गए थे उसके इंटरेस्ट पे करने पड़ रहे हैं। तो बहुत सारा खर्चा जो इनकम होती है ऑयल सेक्टर से, उसमें से बहुत सारा खर्चा वो इंटरेस्ट को पे करने में चला जाता है, तो उसके कंपेंसेशन में हम गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगाती है ऑयल के ऊपर, जो पेट्रोल के प्राइस से कंज्यूमर के ऊपर, बराबर, वो नहीं कम कर सकती। अभी ये ऑयल बॉन्ड जो कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉन्च किए गए थे वो क्या है, राइट, वो हम देखते हैं कि एक्चुअली आपको पता होगा कि जो अभी हमको रॉ मटेरियल मिल रहा है ना, अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे उसका जो कॉस्ट प्राइस है पर बैरल वो बहुत कम है, कंपेरेटिव टू जो कांग्रेस गवर्नमेंट को जो रॉ मटेरियल मिल रहा था ऑयल का पर बैरल, राइट, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था। तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट जब थी तब उन्होंने क्या कहा कि ये बैरल का जो रॉ मटेरियल का प्राइस है, राइट, वो तो ज़्यादा है, तो उसको रिफाइन करने वाली जो कंपनीज होगी, जो रिफाइनरीज वगैरह, वो तो अपना प्रॉफिट निकालेगी, राइट, ओके, तो उसमें से हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यही जब रिफाइन किया हुआ ऑयल, जब ऑयल मार्केटिंग कंपनी OMC, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी, अभी ऑयल मार्केटिंग कंपनी किसको बोला जाता है, कि जो कंपनी के पास 3 से ज़्यादा पेट्रोल पंप है उस कंपनी को बोला जाता है ऑयल मार्केटिंग कंपनी। तो ये रिफाइन किया गया जब ऑयल ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी के अंदर आता है, तब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्या करती हैं कि उनका प्रॉफिट 100% रखती है, 100% प्रॉफिट, जितना उनको ये मिलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 50 रुपये पर लीटर में मिला उसका कॉस्ट प्राइस ऑयल मार्केटिंग कंपनी को, तो वो कंज्यूमर को कितने में बेचेगी, 100 रुपीज़ पर लीटर ऑयल। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम क्या बोला कि ये इफ़ेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल का प्राइस ज़्यादा है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऐसा बोला और कि अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आना चाहिए, कंज्यूमर के को ऑयल का पर लीटर का प्राइस ज़्यादा नहीं देना चाहिए, राइट, नहीं देना पड़े। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो 100% प्रॉफिट ले रही थी ना, मतलब उनको जो कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज़ पर लीटर पड़ रहा था और वो कंज्यूमर के पास 100 रुपीज़ पर लीटर में बेच रहे थे, राइट, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप 100 रुपीज़ पर लीटर में मत बेचो कंज्यूमर को, आप जो 100% प्रॉफिट है ना आपको मिलेगा,
लेकिन आपको है ना कंज्यूमर के पास 50% प्रॉफिट ही जाने देना है। मतलब आपको कितने रुपीज़ में कंज्यूमर को बेचना है, 75 रुपीज़ में, राइट। जैसे तो कंज्यूमर को तो 75 रुपीज़ ही देना पड़ता था, लेकिन बाकी और यहाँ पे कंज्यूमर के थ्रू ये OMC को 50% का प्रॉफिट तो मिल गया, लेकिन उसको तो 100% का प्रॉफिट चाहिए, तो बाकी का 50% का प्रॉफिट कौन देगा उसको? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई मैं आपको ये जो 50% का जो प्रॉफिट है ना, उसके लिए मैं आपके लिए एक ऑयल बॉन्ड इश्यू करता हूँ, एक पेपर इश्यू करता हूँ। उसके अंदर क्या लिखा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको 1000 करोड़ 10 साल के बाद दे दूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी को 1000 करोड़ 10 साल के बाद दे देगी, राइट। ये ऑयल बॉन्ड के अंदर लिखा होता है। तो ये सभी जो बॉन्ड है ना, वही है कि कोई बॉन्ड 2015 के अंदर मैच्योर हुआ, कोई बॉन्ड 2024 के अंदर होने वाला है, कोई बॉन्ड 2026 के अंदर होने वाला है। ये तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया कि 10 साल के बाद मैं आपको 1000 करोड़ रुपया दे दूंगा, जो आपका 50% प्रॉफिट का जो हिस्सा है, राइट। तो लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनी बोल रही है लेकिन हमको तो अभी तो कुछ पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, आपको अभी पैसा चाहिए ना, तो आपको पर ईयर 8% पर ईयर ये जो आपको 1000 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं, मतलब 1000 करोड़ तो मैंने एग्जांपल दिया, जो 50% जो आपको प्रॉफिट 10 साल के बाद काउंट किया गया 1000 करोड़ रुपया हुआ, उसका 8% आपको पर ईयर मिलेगा। 1000 करोड़ तो 10 साल के बाद मिलेगा ही, और आपको एज अ ये जो आपको अभी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए, राइट, आपको 8% आपका जो जितना भी 10 साल के बाद जो भी 50% प्रॉफिट का हो रहा है उसका 8% अभी आपका, हमारा जो एग्जांपल है 1000 करोड़ का 8% आपको पर ईयर भी मिलता रहेगा, राइट। तो ऐसे इंटरेस्ट का कॉस्टिंग कितना आ रहा है, तो ऐसे इंटरेस्ट का कॉस्टिंग आ रहा है 9196 करोड़ पर ईयर। देखो 9196 मतलब ऑलमोस्ट 9000 करोड़, ये ऐसे इंटरेस्ट जो 8% ऑफ 50% प्रॉफिट ऑफ द ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज ओवर द जितना भी बॉन्ड पीरियड का टाइम है, तो ऐसे इंटरेस्ट पर ईयर कितने आ रहे हैं, 9000 करोड़ के, राइट। और टोटल कांग्रेस गवर्नमेंट ने कितने लाख करोड़ के बॉन्ड इश्यू किए थे, 1,34,000 करोड़ के बॉन्ड इश्यू किए थे, और उसका पर ईयर का इंटरेस्ट आता है 9000 करोड़ के आसपास। आप यहाँ पे देखो 9000 करोड़ बराबर ना, ठीक है। तो सेंटर गवर्नमेंट जो बीजेपी गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि हमारा जो प्रॉफिट आता है ऑयल सेक्टर के अंदर से, उसमें से 9000 करोड़ तो हम पर ईयर ये इंटरेस्ट पे करने में लगा देते, तो हम कैसे ऑयल के प्राइसेस को कम करें। तो आई थिंक आपको ये ऑयल बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा पता चला होगा कि ऑयल बॉन्ड कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक ही पर्पज़ से लॉन्च किया था कि कंज्यूमर को कम प्राइस देना पड़े, कि इसलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो 100% प्रॉफिट कंज्यूमर के पास से ले रही थी, वो 50% कंज्यूमर के पास से लेगी और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से लेगी, राइट। तो कंज्यूमर के पास उतना बर्डन नहीं होता था, इस यही वजह है कि वहाँ तब 60-70 रुपया प्राइस था कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम, और अभी 107-110 रुपीस प्राइस है। बाकी बैरल का प्राइस, जो रॉ मटेरियल का प्राइस उस टाइम इस टाइम से बहुत ज़्यादा था, राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ओके। यहाँ पे मैंने पूरा ऑयल बॉन्ड के बारे में आपको समझाया है कि क्या किया जाता है वगैरह वगैरह, बाकी मैंने आपको प्रैक्टिकली पूरा समझा दिया कि कैसा होता है ऑयल बॉन्ड, कैसे इशू किया गया था, राइट, कितने करोड़ का इशू किया गया था, उसका इंटरेस्ट रेट कितना आता है, राइट, ओके। तो यस, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये गवर्नमेंट ने जो ऑयल बॉन्ड जो इशू किया था ना, उसको वो एक प्रॉमिसरी नोट का एक टाइप है, प्रॉमिसरी नोट का एक टाइप है कि जो प्रॉमिस किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, मैं आपको 10 साल के बाद दूंगा, राइट। तो ये कॉमर्शियल पेपर, ये बॉन्ड जो होते हैं वो प्रॉमिसरी नोट के एक टाइप होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट की मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, राइट। तो थोड़ा सा पढ़ लेना, ओके, है ना। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अवार्ड फॉर द एक्सेलेंस, अभी वो किसको मिला, उड़ान स्कीम को। अवार्ड फॉर द एक्सेलेंस अभी किसको मिला, उड़ान स्कीम को। तो ये एक्चुअली रिसेंटली कि उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम, उसको सिलेक्ट किया गया है PM's अवार्ड फॉर द एक्सेलेंस इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 के लिए, राइट। अभी ये अवार्ड कब दिया जाता है कि 21 अप्रैल को जब सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर, उस दिन ये PM अवार्ड फॉर द एक्सेलेंस इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार इस अवार्ड को किसको दिया गया,
उड़ान स्कीम को, उड़े देश का आम नागरिक। अभी उड़ान स्कीम के बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बहुत सारा पढ़ा था, और इस लेक्चर के अंदर भी हम थोड़ा सा उसका टारगेट के बारे में देख लें कि उड़ान स्कीम का टारगेट है कि 100 न्यू एयरपोर्ट्स डेवलप किया जाएगा 2024 तक, और 1000 नए रूट्स एयरलाइंस के वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे इस स्कीम के अंडर में, राइट। और वो 1000 नए रूट्स कब तक आइडेंटिफाई किए जाएंगे, 2026 तक, और 100 नए एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा 2024 तक। ये उड़ान स्कीम का मेन टारगेट है। तो अभी रिसेंटली पीएम अवार्ड फॉर द एक्सेलेंस इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये उड़ान स्कीम को दिया गया। अभी पीएम अवार्ड फॉर द एक्सेलेंस ये अवार्ड की हम बात करें तो ये अवार्ड 2006 से दिया जाता है। 2006 में जब ये अवार्ड लॉन्च किया गया था तब ये अवार्ड जस्ट ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को और ऐसे इंस्टीट्यूशंस को कि जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती थी अच्छा काम, तो उसको दिया जाता था। और प्राइस मनी क्या है, 10 लाख रुपया, राइट, 10 लाख रुपीज़। फिर 2014 के अंदर उसको थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट किया गया, और ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस के अलावा जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कि जो अपने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को बहुत अच्छा उन्होंने डेवलप किया है पिछले साल के अंदर, तो उनको भी ये अवार्ड देने लगे, राइट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पूरे इंडिया के 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लाइफ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करना है तो जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा काम किया होगा, तो उन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भी 2014 से ये अवार्ड मिलता है, राइट। फिर 2021 से ये अवार्ड को फिर से रिवैम्प किया गया, और ऐसी प्रैक्टिस को, ऐसे इनिशिएटिव्स को कि जो पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसे इनिशिएटिव्स को भी ये अवार्ड देने लगे। और 2021 से ही ये कैटेगरी को लॉन्च किया गया, और उसी कैटेगरी के अंदर अभी उड़ान स्कीम जो उसका मेन टारगेट है कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जो छोटे छोटे शहरों में से भी फ्लाइट रन हो, लोगों को एयर सुविधा मिले, तो ये उड़ान स्कीम को अभी पीएम अवार्ड फॉर द एक्सेलेंस इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 का अवार्ड मिला। और ये अवार्ड सिविल सर्विस डे जब 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है तब ये अवार्ड दिया जाता है, राइट। तो आई थिंक आपको ये अवार्ड के बारे में समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स। ओके चलो नेक्स्ट न्यूज़ करते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम। ये गवर्नमेंट ने ये न्यूज़ एक्चुअली रिसेंट न्यूज़ में इसलिए है कि गवर्नमेंट ने अभी आयरन, स्टील, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर को अभी ये रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम में से निकाल दिया है, राइट। अभी क्योंकि आयरन एंड स्टील सेक्टर बूमिंग कर रहा है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने ऑलरेडी कोविड के अंदर बहुत सारा पैसा कमा लिया है, राइट। तो ये स्कीम एक्चुअली एक्सपोर्ट को इंकरेज करने के लिए, लेकिन कौन से सेक्टर के एक्सपोर्ट को, कि जो सेक्टर अभी जहाँ पे मंदी चल रही है, जो मतलब इतना प्रॉफिट नहीं कमा के दे रहे, तो उस सेक्टर के एक्सपोर्ट को इंकरेज करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी, राइट। अभी ये स्कीम लॉन्च कब की गई थी, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम 2021 के अंदर। 2021 के पहले इंडिया के अंदर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया स्कीम चलती थी, राइट। लेकिन वो स्कीम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं थी, और आपको कितना पैसा रेमिट होगा कि जितना भी खर्चा, फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक कंपनी अपनी कंट्री के अंदर कोई चीज़ बनाती है और फिर वो एक्सपोर्ट करती है, राइट। ओके, जब वो कोई कंपनी एक्सपोर्ट करती है कोई चीज़, तब एक पॉइंट, एक डिलीवरी पॉइंट ऐसा होता है कि जहाँ तक चीज़ को ले जाने के जो खर्चा होता है, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होता है वो सेलर का देना पड़ता है, राइट। कोई एक डिलीवरी पॉइंट ऐसा होता है कि जहाँ तक चीज़ को ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है वो सेलर का होता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे को हम बोलेंगे फ्रेट ऑन बोर्ड वैल्यू, फ्रेट ऑन बोर्ड, FOB, फ्रेट ऑन बोर्ड वैल्यू। ये ट्रांसपोर्टेशन के खर्चों को हम क्या बोलेंगे, फ्रेट ऑन बोर्ड वैल्यू। तो ये जितना भी खर्चा होगा उसका ये स्कीम के अंडर में 0.5% टू 4.3% आपको वापस मिल जाएगा। अब आपको एक्सपोर्ट, आपके एक्सपोर्ट को इंकरेज करने के लिए ये फ्रेट ऑन बोर्ड वैल्यू कि जो सेलर के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पे किया जाता है उसका आपको 0.5% से 4.3% तक आपको वापस मिल जाएगा रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम के अंडर में। जो
मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम में कितना मिलता था, 2 to 7%, 2 to 7% मिलता था, राइट ओके. और ये गारमेंट सेक्टर के लिए, गारमेंट के जो एक्सपोर्टर्स होते हैं ना, उनके लिए कौन सी स्कीम लागू होती है, रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लेवाइसेस एंड टैक्सी स्कीम लागू होती है. तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा. तो और ये स्कीम के अंडर में से अभी आयन, स्टील, केमिकल और फर्टिलाइज़र, ये जो चार सेक्टर है उसको ओमिट किया गया है, राइट. तो आपको ये रिसेंट न्यूज़ इतनी ही थी, आपको समझ में आया होगा, राइट. हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड हेरिटेज डे. वर्ल्ड हेरिटेज डे हर साल 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, और वर्ल्ड हेरिटेज डे को इंटरनेशनल डे फॉर द मॉन्यूमेंट्स एंड साइट भी बोला जाता है, राइट. और थीम क्या रखी है वर्ल्ड हेरिटेज डे की, हेरिटेज एंड क्लाइमेट. वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022 की थीम रखी है हेरिटेज एंड क्लाइमेट, राइट. और ये दिन कौन सेलिब्रेट करता है, कौन सी संस्था सेलिब्रेट करती है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन द मॉन्यूमेंट्स एंड साइट. ये संस्था के द्वारा हर साल ये वर्ल्ड हेरिटेज डे साइट, वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया जाता है 18 अप्रैल को. और ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑन द मॉन्यूमेंट्स एंड साइट वो यूनेस्को के अंडर में काम करती है, राइट. तो यूनेस्को के द्वारा ही 1983 के अंदर ये अपॉइंटमेंट दिया गया था, और तब से हर साल वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है. और इस साल की थीम थी हेरिटेज एंड क्लाइमेट, राइट. अभी हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें कि टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया के अंदर कितने हैं, टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया के अंदर 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया के अंदर. और उसमें सबसे लेटेस्ट कौन सा है, सबसे लेटेस्ट है हरप्पन सिटी ऑफ धोलावीरा, जो 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हरप्पन सिटी ऑफ द धोलावीरा, ओके. और 39 कौन है, रमप्पा टेम्पल जो तेलंगाना के अंडर में है, ओके. और वर्ल्ड हेरिटेज साइट दो टाइप, तीन टाइप के एक्चुअली होते हैं. एक तो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट होते हैं, नेचुरल, और एक आर्टिफिशियल, और एक होते हैं मिक्स. टोटल तीन टाइप के वर्ल्ड हेरिटेज साइट होते हैं. और नेचुरल मतलब पूरा नेचुरली डेवलप हुए होते हैं, आर्टिफिशियल मतलब हाँ मेन के द्वारा बनाए गए होते हैं, और मिक्स मतलब आधा नेचुरल आधा आर्टिफिशियल, राइट. और इंडिया के अंदर मात्र एक मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और वो कौन सा है, कांचनजंगा नेशनल पार्क, जो सिक्किम में आया है. वो हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड एज ए इंडियाज फर्स्ट एंड द ओनली मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो आधा नेचुरल है और आधा आर्टिफिशियल है. तो कांचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, सिक्किम के अंदर. वो एकमात्र इंडिया का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, राइट. बाकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और मिक्स, राइट. टोटल इंडिया के अंदर 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी तक है. लास्ट जो ऐड हुआ वो हरप्पन सिटी ऑफ द धोलावीरा, राइट. तो टोटल इंडिया के अंदर कितने मॉन्यूमेंट्स एंड साइट है, 3691, और उसमें से 40 को डेजिग्नेट किया गया है यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा. थोड़ा इंडिया का हिस्ट्री आपको याद रखना है, और वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट होता है, उसका थीम क्या है, वो आपको याद रखना है, राइट ओके. चलो नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं. ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली 14th हुनर हाट सेलिब्रेट किया गया. अभी हुनर हाट कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, मुंबई के अंदर. उसको ऑर्गेनाइज किया गया था मुंबई के अंदर. एक एग्जीबिशन है, लेकिन एग्जीबिशन किन का है कि जो आर्टिजियंस, जो क्राफ्टमैन, आर्टिजियंस और क्राफ्टमैन, राइट, कि जो एंशियंट चीज़ें बनाते हैं, जो ट्रेडिशनल चीज़ें बनाते हैं और हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं, तो उन और वो बहुत अनडेवलप एरिया के अंदर रहते हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं होता, उनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बिकते नहीं है. हालांकि वो एकदम ट्रेडिशनल हैंडमेड होते हैं, फिर भी तो उनके ये प्रोडक्ट को दुनिया देख सके, इसलिए उनके लिए एक स्पेशल एग्जीबिशन रखा जाता है. और ये एग्जीबिशन का नाम है हुनर हाट. और ये इस बार कहाँ पे हुआ, मुंबई के अंदर, राइट. टोटल 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के जो क्राफ्टमैन है और आर्टिजन है, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया था. और ये जो हुनर हाट है उसकी थीम क्या रखी गई थी, वोकल फॉर द लोकल एंड द बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट. वोकल फॉर द लोकल एंड बेस्ट फ्रॉम द बेस्ट, ये हुनर हाट की थीम रखी गई थी. और ये हुनर हाट कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था, ये हुनर हाट एक्चुअली जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था. मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की जो उस्ताद स्कीम है, उस्ताद स्कीम का फुल फॉर्म है अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट फॉर द डेवलपमेंट स्कीम. ये उस्ताद स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है उनके द्वारा ये
इवेंट हुनर हाट हर साल सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार मुंबई के अंदर सेलिब्रेट किया गया। उसका मेन एम क्या है? टू प्रोवाइड द मार्केट एक्सपोजर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू आर्टिजियंस, क्राफ्टमैन एंड ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सपोर्ट्स, बराबर, एक्सपर्ट्स को, राइट। तो इसका मेन एम ये है कि जो क्राफ्टमैन है, आर्टिजियंस है और जो एक्सपर्ट है, कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें बनाने में एक्सपर्ट है, उनके प्रोडक्ट को यहाँ पे एक्सपोज किया जाए, राइट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा उस्ताद स्कीम के अंडर में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है हुनर हाट। ये 14th हुनर हाट था और ये एक्चुअली मुंबई के अंदर इस बार सेलिब्रेट किया गया था, राइट। और ये हुनर हाट की मदद से हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का, जो इंडिया का एक ड्रीम है, उसको हम और बूस्ट कर रहे हैं और उसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, राइट। और एक यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, ये दो जो इंडिया के जो एम है, उस इंडिया के जो ड्रीम है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, उसको हम और मजबूत कर रहे हैं, राइट। इस तरह की इवेंट को ऑर्गेनाइज करके, राइट। तो आपको ये न्यूज़ समझ में आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, आज हम इतना ही रखते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।